क्या कुछ कहेंगे, कितना विजय मिलेगी इस बार चुनाव में? मैं पहले भी कहा हूँ प्रधानमंत्री, हमारे जो लास्ट 2017 का इलेक्शन से बेहतर हमको परिणाम मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये तो पक्का है। आपको लगता है कि 60 प्लस का जो नारा बीजेपी कर रही है वो लक्ष्य पार कर लेंगे आप लोग? 100% पार कर लेंगे, हमको पूरा विश्वास है। अच्छा, ये अंतिम चरण की जो अंतिम चरण में कौन आएगा, इसका जो गढ़वाल मंडल में इसका जो समापन होगा? शुरुआत तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से होता है, अभी राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं इस समय। कौशिक जी, न्यूज़ इंडिया के माध्यम से पूरा देश जानना चाहता है कि उत्तराखंड में इस बार क्या रहेगा नतीजा? देखिए, हम लोग पिछले दिनों से लगातार हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में बहुत ही स्ट्रेटेजी बनाकर पूरे ताकत के साथ, कार्यकर्ता के उत्साह के साथ लगा हुआ है। मोदी जी के प्रति पूरे प्रदेश की जनता में एक विश्वास है, डबल इंजन के प्रति विश्वास है, युवा नेतृत्व हमारे धामी जी के प्रति विश्वास है और कार्यकर्ताओं में एक अपार उत्साह है। तो इस आधार पर निश्चित रूप से हम बहुत बड़ी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं विजय संकल्प यात्रा की, भारतीय जनता पार्टी के करीब 2300 किलोमीटर का सफर अब तक इस यात्रा ने तय किया है और देहरादून में अंतिम चरण की शुरुआत हो रही है। कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। 3 तारीख को पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के मनोज तिवारी यात्रा में शिरकत करेंगे। 4 तारीख को कुमाऊं में खटीमा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस यात्रा का समापन करेंगे और गढ़वाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी में इस यात्रा का समापन करेंगे। और बीजेपी को पूरा विश्वास है कि विजय संकल्प यात्रा के जरिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। देखते हैं बीजेपी का सपना कितना और किस हद तक पूरा होता है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह।